नमस्कार, आप देख रहे हैं PCBN भारत न्यूज़। खबर जनपद मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत रामबाग कुरैश मोहल्ला में प्रतिबंध पशु का मांस होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा थाना कोतवाली शहर पुलिस और फील्ड यूनिट के साथ संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध मांस की फॉरेंसिक जांच हेतु सैंपल भेज दिया गया। आपको बता दें तथा संदिग्ध 7 से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आसपास के दुकानों के लाइसेंस की नगर पालिका द्वारा जाँच कराई जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था स्थिति समान है। आपको बताते चले, जनपद मिर्जापुर के कोतवाली थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत एक सोशल मीडिया पे एक प्रतिबंधित पशु का वायरल वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पशु के मांस दिखाई दिए गए। और ये वीडियो इतना तेज फैला कि प्रशासनिक अधिकारी उच्च अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और जांच पड़ताल किया। वहाँ पे 7 से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। देखिए हमारी खास खबर PCBN भारत से, हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, सूचना हम लोग को मिली थी कि कुरैश नगर एरिया पर वहाँ पर कुछ जानवरों के मांस लोगों के घरों में मिले हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी यहाँ मौके पर आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट जो है भी मौके पर आए हैं और पूरे एरिया के लोगों ने प्रॉपर तलाशी ली है, कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। सभी लोगों चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, सैंपल्स लिए गए हैं, उनको जाँच के लिए हम लोग फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं और जहाँ ये चीज़ें हुई उसको मुकदमा लेकर हम प्रभावी कार्रवाई करें। ऐसा लग रहा है कि एक वायरल वीडियो में गुकसी की बात आ रही है, इस संबंध में एक वीडियो भी आया था, उस तत्काल उस वीडियो का भी संज्ञान लिया गया और जितने भी इसमें पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, जहाँ पे लोगों के घरों में सर्च करना था, जो पॉसिबल सस्पेक्ट्स थे उन सभी के उनको पूछताछ के लिए उनको लिया बुलाया भी गया है, मुकदमा लिखवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया उसमें दूसरी हिरासत में भी ले लिया गया है, आगे की अग्रिम कानूनी कार्रवाई। मौके पर गुकसी पाई गई है? नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ मांस और वो मांस किस जानवर का है, भैंस का है, गाय का है, क्या है, ये चीज़ें फॉरेंसिक जांच में ही सामने आई। कितने लोग हिरासत में लिया गया, कितने लोग? अभी कम से कम 7-8 लोगों को हम लोगों ने अभी पूछताछ के लिए लिया है और मुकदमा इसमें दिखाया जा रहा है और जैसा आगे रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी हम सभी लोग उसकी बिल्कुल पर्सनली इस चीज़ की हम लोग जाँच करा रहे हैं ताकि अगर कोई इसमें पूरे मोहल्ले में ऐसी बदबू आती है कि कोई गुजर नहीं सकता, तो क्या ऐसा पहले नहीं? इसमें कुछ लोगों द्वारा अपने लाइसेंस दिखाए जा रहे हैं जो विभिन्न अथॉरिटीज़ द्वारा जारी किए गए हैं, उन लाइसेंसों की भी संबंधित अथॉरिटीज़ से जांच कराई जा रही है। नगर पालिका से समन्वय करके उनकी जाँच कराएंगे, वो वैध हैं नहीं हैं तब तक उनकी वैलिडिटी है, सारी चीज़ों की जाँच कराई जा रही है और उस अनुसार भी कार्रवाई कर रही है। ठीक, क्या हुआ मनीष जी, आपने आपके पास एक वीडियो वायरल होकर आया था जिसमें क्या मामला था ये जो? आज सुबह हम लोग सदस्यता कर रहे थे, उसी समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ कि गौकसी हो रही है यहाँ रामबाग LIC ऑफिस के आगे। एक छेदी कसाई नाम का व्यक्ति है जिसके घर में गाय काटी जा रही है। तुरंत हमने माननीय नगर विधायक जी को और अपने जिलाध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष को फ़ोन किया। उसके बाद हमने SP साहब, CO सिटी और सिटी कोतवाल साहब को फ़ोन किया कि ये ऐसी घटना वायरल हो रही है और इस पर जाँच होनी चाहिए। SP साहब ने सहयोग किया, तुरंत वहाँ पे फोर्स आई, हमें भी बुलाया गया, हम लोग साथ में गए। तो वहाँ पे जिस मकान पे हम लोग को वायरल ये संदेह हुआ था, उस मकान पे तुरंत 2 फ्रिज में गाय कटा हुआ उसका सर पाया गया और वहाँ से मांस के टुकड़े पाए गए जो फोरेंसिक जाँच के लिए लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने अनुरोध किया कि जो पकड़ी गई उन्हीं के बूढ़ी एक दादी थी मुस्लिम, उन्होंने कहा कि यहाँ सभी मकानों में गाय काटी जा रही हैं, केवल हम नहीं है, केवल हमको पकड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक दो नाम और पूछा तो उन्होंने बगल का एक व्यक्ति का नाम बताया, तो उनके यहाँ भी पुलिस से अनुरोध किया तो वहाँ पे भी छापा मारा गया। वहाँ पे भी दो डिफ्यूजर के अंदर गाय का मांस और ये सब पाया गया और प्रशासन जाँच कर रही। उसके अलावा 3-4 मकानों पर और संदिग्ध था जहाँ पर जाँच की, अब उसकी रिपोर्ट प्रशासनिक देगी। उसके बाद क्लस्टर हाउस वहाँ पर है जो भैंसा गोदाम, वहाँ पे जब छापा मारा गया तो वहाँ पे SP साहब को भी बुलाया गया, सब बड़ी प्रशासनिक जांच चल रही वहाँ पे पूरा। वहाँ अंदर तहखाना है, उसके अंदर से बदबू आ रही थी, पूरे मक्खी लगे थे उसके अंदर। जांच कम से कम 10-15 तो हमने देखा कि पूरे मुंडी सूखे हड्डी के गाय का लग रहा था, वो पड़ा हुआ था। उसके अलावा अंदर
बहुत ज़्यादा था, जिसके अंदर हमें भी नहीं जाने दिया गया। उसके बाद ये जांच का विषय है, प्रशासन अपना जांच कर रही, फोरेंसिक टीम और LIO की टीम वहाँ पर लगी है। अब जो जांच में होती है, हमारा केवल प्रशासन से ये अनुरोध है अपने जनप्रतिनिधि और प्रशासन से कि इसमें कहीं से भी कोताही न किया जाए। इसके साथ ही नगर पालिका का फर्जी नगर पालिका का नल का कनेक्शन लेके पूरा पानी से पूरा मकान धोआ जा रहा था लाइन से, जब प्रशासन पहुंची उसके बाद बिजली का कनेक्शन फर्जी था, सबका फर्जी है। और ज़्यादातर डिफ्यूजर 3-3 जो लगाए हुए हैं और मीटर भी नहीं लगा हुआ है, इन सभी की जांच होनी। वो मांस जो गाय का मांस लग रहा था, तो या आपने कुछ ऐसा सबूत देखा? गाय का मांस लग रहा था फ्रिज में, जो हम लोगों ने भी उस समय वीडियो बनाया है उसमें एकदम साफ दिख रहा है कि ये गाय का कटा हुआ सर है। कोई लेडी भी आपसे कही कि जो है ये गाय सत्यापन? हाँ, वो वहाँ के जो जिस मकान में पहला बार छापा पड़ा वहाँ पकड़ाई गई है, तो वहाँ से एक जेंट्स एक लेडीज को उठाया गया, तो उनके जो दादी थी उन्होंने कहा कि भैया केवल हम लोग के परिवार पे क्यों कर रहे हैं आप लोग, यहाँ अगल बगल सब के यहाँ गाय कटी रही है और सब के यहाँ है। उन्होंने 2-3 नाम भी बताया जो प्रशासन ने नोट किया है सबका नाम। मनीष गुप्ता, नगर अध्यक्ष, भाजपा, मिर्जापुर।